हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज मैं बताने जा रहा हूँ अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर। तो दौड़ के जाइए, कलम कॉपी लाइए और शामिल हो जाइए इस कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम लोग आनंद लेने वाले हैं अल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर का। तो जबरदस्त मस्ती के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर। तो आइए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले तो जाने कि अल्डिहाइड जो होता है स्टूडेंट्स, उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, मतलब अल्डिहाइड पहचान नहीं है कैसे। इसका मतलब ये कि बहुत सारे कंपाउंड्स दे दिए जाएं आपको, तो भाई पता लगाना होगा अल्डिहाइड है या नहीं है। तो आइए पता लगाते हैं कि अल्डिहाइड की पहचान। देखिए, ये है कार्बोनोइल ग्रुप। आपको मैंने बताया ना पिछले वाले जो वीडियो में, ये क्या है, कार्बोनोइल ग्रुप है, कार्बोनोइल ग्रुप। इसी कार्बोनोइल ग्रुप में अगर आप ये आप लगा देते हैं H, तो ये हो जाता है अल्डिहाइड। सवाल है तब यहां क्या लगाए? यहां आपकी मर्जी, आप चाहे तो H लगा दीजिए या कोई अल्काइल ग्रुप लगा दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर या एराइल ग्रुप भी लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमने ये लिखा H, ये भी अल्डिहाइड है, और हमने ये लिखा यहां पे R, ये भी अल्डिहाइड है। तो कुल मिलाकर आप यूं समझ लीजिए कि आपके अल्डिहाइड के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CHO, जिसको आप स्ट्रक्चर के तौर पे दिखाते हैं C डबल बॉन्ड H। बस सिंपल सा है, ये है अल्डिहाइड। और नाम के बारे में जहां तक बात है, एकदम से आसान है, ये बेहद बेहद आसान है। सबसे पहले बात करेंगे कॉमन नेम की। कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में जरा देखिएगा, सबसे छोटा सबसे प्यारा जो अल्डिहाइड है ना स्टूडेंट्स, वो है HCHO, और खूबसूरत सा नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल, इसमें डिहाइड जोड़ देंगे, नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। उसी तरह से CH3CHO, इसका नाम है एसीटल डिहाइड। अगर मैं यहां पर एक और कार्बन जोड़ दूं, तो देखिए यहां पर कार्बन हो गए 3, नाम है प्रोपियोनल डिहाइड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये कॉमन नेम है। आइपक नेम के लिए बहुत ही आसान है। देखिए, जो अल्डिहाइड है ना, अल्डिहाइड, उसके पहले AL है। एक्चुअली आइपक नेम में इसके AL लगा देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा यहां, फॉर IUPAC नेम। देखिए क्या करते हैं, करते ये हैं कि अल्केन जो है ना, अल्केन, उस अल्केन में से स्टूडेंट्स E माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, और प्लस में AL कर दीजिएगा, तो क्या होगा बताइए, हो जाएगा अल्केनॉल। एक्चुअली यही बेस नेम होता है, बेस नेम अल्डिहाइड के लिए। तो अल्केन में से E हटा देंगे और क्या प्लस कर देंगे, AL कर देंगे, तो हो जाएगा अल्केनॉल। और जानते हो दोस्त, एक यहाँ एक बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पोजीशन नहीं लिखना होता है, ये जहां पर है ना, जहां CHO दिखेगा काउंटिंग वहीं से शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही मजेदार है, जहां CHO देखेंगे वही हमेशा एक नंबर है। तो जो हम फिक्स है कि यही एक नंबर है, तो वहां पर पोजीशन नहीं देते। जानते हो, इन बातों को समझाने के लिए जब तक लिखेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और कुछ आपको नोमेनक्लेचर दिखा रहा हूं। तो आइए, आइपक नेम कैसे लिखते हैं जरा समझा जाए। सबसे छोटा सबसे प्यारा मैंने बताया कि अल्डिहाइड स्टूडेंट से ही है। इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, ये भी पूछने की बात है। एक कार्बन है, और एक तो मीथ कहते हैं ना, एक्चुअली वो मीथेन है, अगर अल्केन होता है तो उसमें से ई हटा दीजिए मीथेन में से, तो क्या हो गया, और ए जोड़ते मीथेन, AL, मीथेनल, सिंपल। अच्छा दोस्त, अगर CH3CHO दे दूं तो कार्बन कितने हैं, 2 है, इथेन में से ई हटाइए और AL जो इथेनल। हाँ जी, बस यही है, ये बेहद आसान होता है, बेहद ही आसान है। कितने कार्बन हुए, 3, तो प्रोपेन में से प्रोपेनल है ना, इजी, ये बहुत इजी है।
अच्छा यहाँ देखिए, अगर कुछ ऐसा हुआ, अरे भाई कुछ भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काउंटिंग हमेशा 1, 2, 3, 4, 5। जानते हैं जब जब मैं एल्डिहाइड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ाता हूँ तो मुझे गाना याद आ जाता है, और गाना ये होता है, ये जहाँ रहता है ना, चूंकि वहीं से शुरुआत हो जाता है, तो इसी पे गाना याद आता है मुझे, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म। एक्चुअली इसी से शुरू होगा, अगर एक और एल्डिहाइड रहता ना उसी पे जाके खत्म हो जाएगा ये रियली। गाना जो है ना, किसी केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, ऑर्गेनिक पढ़ाने वाला जो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहा होगा ना, उसी समय गाना लिखा होगा किसी ने। तो जरा देखिए, ये हो गया आपका ब्रांच। मैं याद करके आपको ये गाना सुनाऊंगा, मुझे याद नहीं एक्चुअली। तो थ्री मिथाइल कितने कार्बन हो गए, 5, तो लिख दीजिए पेंटेनॉल। ठीक है, आइए दोस्त, यहां पर ये कुछ लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां पर क्या लिखा हुआ है, जहां पर आपको दिख जाएगा CHO, काउंटिंग वहीं से शुरुआत होगी। जैसे ये कंपाउंड दिया गया है, एकदम आसान है, ये CHO है ना, यही फंक्शनल ग्रुप है दोस्त। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना आसान। बाकी में हमें समझना रहता है कि कहां से काउंटिंग करें कहीं गलती ना हो जाए, ये यहां पे आजादी है। तो ये हो गया आपका इथाइल, कितना नंबर पे है जरा बताएंगे, 4 पे है, तो 4 लिखेंगे इथाइल। अच्छा, और देख रहे हैं 3 पे 4 पे और 5 पे, 2 3, 4, 5, 5, 4 हुआ तो टेट्रा मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है, 7 है, तो 7 को हेप्टेन लिखिए, और हेप्टेन लिखकर उसी में ई हटा के एल जोड़ दीजिए, सिंपल है ना। अच्छा स्टूडेंट्स, जरा ये बताइए, अगर ऐसा हो गया तो ना, तो हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप समझ रहे हैं ना क्या होगा, 2, 3, 4, 4 हुआ था टेट्रा मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है, 6 है, तो लिख देंगे इसी में हेक्सेन में ये लगा देंगे, हेक्सेनल। स्टूडेंट जल्दी से इसको नोट करें। आइए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करते हैं। देखिए यहां एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज इसको समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कि हमने एक क्वेश्चन लिखा, एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एक्चुअली मुझे कुछ बातें आपसे बतानी है, ये देखिए। तो आप काउंट कहां से कर रहे हैं, आप इसको 1 कह रहे हैं, 1, 2, 3, 4, तो नाम हुआ 3, 3 डाइमिथाइल, और 4 है तो ब्यूटेन लिख करके, और इसी में जोड़ दे रहे हैं 1 ब्यूटेन। एक्चुअली मुझे ये बात नहीं बताना, ये तो आप सीख लिए अभी कभी, मुझे ये बताना कि कभी कभी ऐसी नौबत आती है जब आप CHO के C को काउंट नहीं करते हैं, तो जब CHO के C को काउंट नहीं करते हैं तो इसका नाम हो जाता है, इतना याद रखिएगा, कार्बल डिहाइड। जरा समझिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां देखिए, ये है साइक्लोहेक्सेन और यहां पर CHO लगा हुआ है, ठीक है, तो अब देखिए इसका नाम क्या होगा, ये है साइक्लोहेक्सेन, नाम होगा साइक्लोहेक्सेन, पूरा हेक्सेन लिखेंगे, इसी में लिख देंगे कार्बल हो गया डिहाइड। अच्छा कल्पना करिए कि क्वेश्चन कुछ ऐसे हो गया और यहां पर लिखा हुआ है C2H5। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, तो काउंटिंग होगा 1, 2, 3, हो गया 3 इथाइल
3-thiol हो गया। अब ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। आपको मैं अगर क्वेश्चन दे दूं ये और कहूं कि इसका नाम बताइए, तो एकदम सिंपली आप क्या बोलेंगे, ये है साइक्लोपेंटेन, तो लिखेंगे साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड। क्यों भाई, कार्बोल्डिहाइड। आपको बात समझ में आई, बोलिए हाँ या ना। अगर मैं आपसे कहूं, यार मैं आपसे कितनी बात कहूं जी कि इसका नाम बोलिए, तो आप क्या कहेंगे, यह बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। सिंपल नहीं है, एकदम रियली सिंपल है यार, बस सीखने की जरूरत होती है। अगर आपने लिख लिया ना सर, सीख लिया, तो कोई समझ, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। अच्छा एक बात बता दूं, इसका एक और नाम है बेंजल डिहाइड भी कहते हैं इसको प्यार से हम लोग, बेंजल डिहाइड। क्या कहते हैं इसको, बेंजल डिहाइड। स्टूडेंट तो इस तरह से भी आपको कुछ कंपाउंड्स दिए जाएंगे जिसमें आपको ये अल्डिहाइड की नहीं करते। अच्छा एक और बात, एक मजेदार सीन देखिए, इधर जरा ध्यान से देखिएगा, ये मजा आ जाएगा आपको बनाकर। ये देखिए ये कंपाउंड है, अब इस कंडीशन में इसका नाम है 1, 2, 3, और तब इसको हम लोग कहते हैं कितने तीन है ना, तो लिखेंगे प्रोपेन। आपको पता है ना पूरा प्रोपेन लिखेंगे, उसके बाद 1, 2, 3 बताइए, ट्राई कार्बोल्डिहाइड। बात समझ आई आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस चीज़ को समझ रहे होंगे। जैसे कल्पना करिए कि हमने इस तरह से एक क्वेश्चन दे दिया आपको, CH2CHO और कहा कि इसका नाम बताइए, क्योंकि अभी तो मैंने बताया नहीं उसमें चार कार्बन हैं, तो आप काउंट कर देंगे इस तरह से 1, 2, 3, 4, और जैसे काउंट करेंगे गलत हो जाएंगे आप। हाँ जी आप गलत हो जाएंगे आप, क्यों, क्योंकि एक के बाद दो पे ब्रांच नहीं है, यहां पर सीएचओ नहीं, यहां से काउंटिंग होगी ये 1, 2, 3, 4। आपको बात समझ में आई, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1, 2, 4 ट्राई कार्बोल्डिहाइड, इसी में जोड़ देंगे कार्बोल्डिहाइड। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट करें। तो स्टूडेंट्स आपको मस्ती करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया है, आप बनाएं, क्वेश्चन बनाने का आनंद लें। कल के वीडियो में मैंने जो कुछ क्वेश्चन दिया था आपके लिए PFE मैंने प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, उसमें से कुछ बच्चों ने मुझे से शिकायत की थी, उसमें से एक शिकायत का मैं निवारण यहाँ कर देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इस टाइप के प्रश्न मैंने नहीं बताया और इस तरह के क्वेश्चन हमने दे दिया। एक्चुअली दोस्त क्वेश्चन लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, जरा समझो, एक मैं बना देता हूँ, 10 में से 1 बना दे रहा हूँ। इसका मतलब हुआ कि आप लिख रहे हैं यहाँ पर CH3 और आगे क्या है, ये C है और C पे दो CH3 है, बस सिंपल है दोस्त। आप ये हो गया, फिर आगे क्या है CH2, तो कई को CH2 होता है, देखिए 2 को, तो CH2 और फिर आगे क्या है CHO। अब बताइए ना, अगर मैं क्वेश्चन आपको इस तरह से लिख के दे देता हूँ तो आपकी कोई समस्या नहीं होती है, क्वेश्चन लिखने का तरीका मैं ऐसे कर देता हूँ आपकी समस्या हो जाती है, नहीं आप हमारे स्टूडेंट्स, आपको समस्या होने की जरूरत ही नहीं है, आप समस्या में पड़ जाओगे और मैं देखता रहूं, ना ये नहीं हो सकता है, आपके हर समस्या को लड़कर हम लोग दूर भागाएंगे, लेकिन आपका सहयोग चाहिए। निश्चित रूप से आप अपनी समस्याओं पे विजय प्राप्त करेंगे, और पता है आप विजयी ही पैदा हुए हैं, आपको विजय प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, आप विजयी हैं, लोगों को दिखाने की जरूरत है कि विजेता आप हैं। तो उम्मीद करता हूं कि लोगों के नजर में लोगों को दिखा पाएंगे, साबित कर पाएंगे कि आप विजेता ही हैं। तो इस सवाल के जवाब अब मैं लिखूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं ना, तो आप जानते ही मैं आपसे एक बात कहने वाला हूं कि स्वास्थ्य बहुत बड़ा चीज होता है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी चीज है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और जब स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा तो हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, मजे में रहेंगे, और जब आप हंसते मुस्कुराते मजे में रहेंगे तो पूरा देश हंसता मुस्कुराता मजे में रहेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।